नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एपेटामिन सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एपेटामिन सिरप को कैसे लेना चाहिए और एपेटामिन सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एपेटामिन सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एपेटामिन सिरप एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग भूख बढ़ाने के लिए और एलर्जी व नजला के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए एपेटामिन सिरप का उपयोग किया जाता है। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, उन व्यक्तियों में भूख को बढ़ाने के लिए डॉक्टर एपेटामिन सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। एपेटामिन सिरप भूख को बढ़ाकर वजन को भी बढ़ाने में सहायक होती है। एपेटामिन एक ब्रांड नेम है। एपेटामिन सिरप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन साइप्रोहेप्टाडीन होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एपेटामिन सिरप की वजह से नींद अधिक आ सकती है। नींद अधिक आना एपेटामिन सिरप का एक सामान्य साइड इफेक्ट्स है और ज्यादातर व्यक्तियों में इस साइड इफेक्ट्स को नोटिस किया गया है। इसके अलावा एपेटामिन सिरप की वजह से शरीर में थकान व सुस्ती हो सकती है। एपेटामिन सिरप की वजह से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि एपेटामिन सिरप भूख को बढ़ाती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में एपेटामिन सिरप की वजह से भूख कम भी हो सकती है। इसके अलावा एपेटामिन सिरप की वजह से मुंह, गले और नाक में सूखापन, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, दस्त होना, कब्ज होना, सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स एपेटामिन सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एपेटामिन सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एपेटामिन सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर आप भूख को बढ़ाने के लिए एपेटामिन सिरप को ले रहे हैं तो एपेटामिन सिरप को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना ज्यादा अच्छा होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एपेटामिन 10 मिलीलीटर सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन एपेटामिन सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एपेटामिन सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एपेटामिन सिरप के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और एपेटामिन सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एपेटामिन सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों में कुछ समय के लिए मानसिक सतर्कता कम हो सकती है और नींद अधिक आ सकती है। जो व्यक्ति दिन के समय ऑफिस में जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर एपेटामिन सिरप को केवल शाम के समय लेने की सलाह दे सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को एपेटामिन सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है, जिसकी वजह से उनका ऑफिस का काम प्रभावित हो सकता है। वैसे एपेटामिन सिरप प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को एपेटामिन सिरप को लेने की सलाह देते हैं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एपेटामिन सिरप का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एपेटामिन सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एपेटामिन सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।